पौड़ी के सिमरी में हुई बस दुर्घटना में अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 19 लोग घायल हैं, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। हरिद्वार के जिलाधिकारी लाल ढांग पहुंचे, जहां उन्होंने दूल्हे के परिवार और ग्रामीणों से मुलाकात की। दूल्हे ने जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई, जिस पर जिलाधिकारी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। एक सांप था, इतना मोटा, बहुत मोटा सांप। वो पहले हमारी कार आगे थी, हमारी कार के आगे आया। वो कार के आगे आने के बाद ब्रेक लगे, हम आगे गिर गए कार में। तो मैं उनसे बोला, ड्राइवर से, मैंने कहा भाई क्या कर रहा, तू मरवाएगा मुझे? तो बोला देख तो लो भाई, रुक एक सेकेंड। उसने कार से सांप दिखाया, बोला ये सांप मैं मारना नहीं चाह रहा था, इसलिए बच गया, इसलिए मारे ब्रेक। उसने अपनी गाड़ी साइड कर दी, उधर से बस वाले ने टीपर दे दिया। इतना एक्साइट थी उसे, वो सीधा स्पीड में लाया, तुरंत खाई में, मेरी आंखों के सामने। ये जो घटना हुई है, इसको इसको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। एक परिवार जो अपने वैवाहिक कार्यक्रम, जैसे खुशी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा है, और अचानक इतनी बड़ी विपदा आ जाए। और जैसा कि पता लगा है, करीब 15-16 लोगों की डेथ इसी गांव से हुई है। मैं समझता हूँ कि इससे दुखद और विपदाग्रस्त कोई बात हो नहीं सकती। और जिसकी यहाँ शादी थी, उनकी माता जी से और उस लड़के से मैंने मुलाकात की, जिसके बड़े भाई की भी डेथ इसमें हो गई।